और देखो मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग डेली देखते हैं, रेगुलर व्यूअर है, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते, सोचते कि कल परसों आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो कर ही देंगे। लेकिन नहीं भाई, आज वो टाइम आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है। सीन को देखो और बस सब्सक्राइब करके ना राइट साइड में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। सोहर पबजींस के एलजी आपके लोग स्वागत है उसका दो गेम लेके एक और वीडियो में। और ये वाला गेम भाई बहुत कमाल चाहता है देखना आपको, इसमें ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे ना आप सीरियसली दिल से कहोगे मजा आ गया। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया ना यार, मुझे पता है स्टार्टिंग में छेड़ हो गई थी यार, लेकिन जो भी भाई शॉर्ट मेरा आज तक ना बेस्ट होम शॉर्ट था, सीरियसली मजा आ गया। अगर आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर भी नहीं कर रहे हो ना तो मेरे लिए चैलेंज आपके लिए इस वीडियो को बस आप लोग पूरा देखना। और मैं कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे, नहीं करके जाते तो जरा कमेंट करके मेरे को बता देना, या फिर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यार वीडियो काफी कमाल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। अब देखो मैं उतर था फैक्ट्री में और मैंने बंदों को चैलेंज तो नहीं करा था, पर एक्यूरेट फ्लाइट रूट था, बंदों को आना चाहिए था। अब मुझे तो ये लग रहा था कि फैक्ट्री तो कोई आया नहीं, हो सकते साइड में आया हो, और मेरा शक जो है ना, मतलब मेरी जो ये प्रेडिक्शन है काफी सही निकलती है। देखो आप सुनो जरा, मुझे आती है ट्रिपल सीटर की आवाज़, और मैं थोड़ा यहाँ से देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है, क्योंकि ये आवाज़ थोड़ी ऊंची होती जा रही थी, मतलब बंदा है तो मेरे पास आ रहा है फिर मेरे पास से कहीं जाना चाह रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ भाई ये तो मेरे पे पुश कर चुका था फैक्ट्री में, वो भी कतई कॉन्फिडेंस के साथ। और साइड से इसके टीममेट्स आ चुके थे जो कि इतनी दूर से भाई शॉटगन चला रहे हैं। अब देखो मुझे पता था कि कुछ ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जिससे सिर्फ एक ही बंदे को मैं मार सकूं, दूसरा बंदा डैमेज ना दे सके, लेकिन फिर भी इसने डैमेज दे दिया मेरे को। और इस बंदे के मैंने हेडशॉट का गुच्छा छाप दिया था, इस बंदे को जल्दी मरना ही था। अब देखो गाइस कल मैं खेल रहा था हैवी मैसेज पे, तो ये मत समझना कि आज मैं हैवी पे खेल रहा हूँ, और समझदार लोग तो समझ जाते हैं भाई कि हाँ भाई बंदा हैवी पे खेल रहा है लाइट पे, क्योंकि अलग ही मतलब जब डैमेज पहुंचते ना बंदे के तो समझ में आ जाता है कि हाँ बंदा हैवी पे खेल रहा है लाइट पे। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ यार ये लाइट पे ज़्यादातर मैं लाइट पे खेलता हूँ, 99% टाइम्स मेरा है लाइट पे रहता है ये मैसेज, हैवी पे मैं बहुत कम ही करता हूँ, जैसे कल मैंने कर लिया यूँ ही बस महीने 3 महीने में एक दो बार, और क्लोज पे बस टीडे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी भाई मेरा लाइट पे मैसेज है, तो आगे आपको जितने भी गेम प्लेस मिलेंगे सारे लाइट के मिलेंगे। अब देखो मैंने सोचा था क्यों ना यहाँ से निकल जाए, लेकिन मुझे दिखता है यहाँ पे एक बॉट, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई पूरी स्क्वाड ही मार जाते हैं फैक्ट्री में। और इस बॉट को मारने के बाद तो मैं शांति से थोड़े क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ, यहाँ से मेरे को स्कार मिल जाती है, एक ऑटो गन यार, मिनी 14 भी बढ़िया है, लेकिन भाई एक ऑटो गन की अलग ही बात है। मैंने सोचा था क्यों ना गैराज से मैं गाड़ी पकड़ूंगा, पर भाई गाड़ी तो ऑलरेडी जा चुकी थी, गाड़ी ठीक है यहाँ पे ट्रिपल सीटर ही थी जो ये बंदे लेके आए थे, तो गाड़ी के नाम पर तो यहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन मैं जैसी इस तरफ आया भाई यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी दिखी, मैंने सोचा क्यों ना इस बंदे को मारा जाए, अकेला बंदा दिख रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बंदा, ये बंदा एक बॉट को मारा था और इसका एक टीममेट भी था ऑरेंज आउटफिट वाला, तो मैं समझ चुका था भाई दिक्कत हो जाएगी, दो बंदे हैं चटनी बन जाएगी, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। और देख रहे हो ना क्या ही डैमेज देने का ट्राई कर रहे हैं दोनों, तो मैंने सोचा एक स्मोक करते, सामने जो बग्गी है ना वही बग्गी लेके मैं इन पे पुश कर दूंगा, एक को गाड़ी से कुचल दूंगा और दूसरे वाले बंदे को तो फिर वही 1v1 में इजीली मार ही देंगे। तो ये मेरा प्लान था, मैंने स्मोक करा, स्मोक भी देखो काफी कमाल का हो गया, बंदों को कुछ डैमेज नहीं दे पाया, मेरे को थोड़ा बहुत शूट करने का ट्राई नहीं करा क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा था, बग्गी ली मैंने और भाई ये बंदे गए। अब किलर अभी को मैंने पहले गाड़ी से नॉक करा क्योंकि ओपन में भाई दो बंदों से फाइट तो बिल्कुल नहीं ले सकते, और अभी अकेला है तो भाई इजीली लपेट लेंगे इसको। अब इन दोनों बंदे के ना टीममेट्स मेरे को कतई भी कहीं कोई चांस ही नहीं दिख रहा था आने का, तो मैंने सोचा आराम से खुल्लम खुल्ला क्रेट लूटेंगे और फिर मैं जल्द से अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं आता हूँ थोड़ा विलेज साइड, और सामने जो आप ये दो घर देख रहे हो ना दरवाजे इस तरह से खुले कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे आए थे जरूर, वैसे दरवाजे इसी तरह खुले होते हैं। अब देखो मुझे ये बंदा दिखता है जो कि पता नहीं क्या ही कर रहा था, अब मुझे नहीं पता क्या कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई डैमेज मैंने भयंकर दे दिया, तो मैं अंदर रश कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने M4 को एज ए स्नाइपर भी यूज़ करा कतई वन शॉट के लिए। अब देखो यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ और जैसे मैं बग्गी में बैठता हूँ ना, और अब देखना भाई गेम में अलग ही मोड आ जाएगा, मतलब जो मजा आएगा ना आपको देखना। मैं जल्दी से बग्गी लेके निकलता हूँ और स्टेडियम से जरा गन शॉट्स की आवाज़ सुनो आप लोग। काफी कमाल की थर्ड पार्टी करी मैंने यहाँ पे,
और मेरे ख्याल से इन बंदों की शायद पहले कुछ तगड़ी फाइट चल रही थी, क्योंकि इनमें से कोई बोल रहा था कि कितनी देर तक जिंदा रहे भाई, तब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक जीत नहीं जाता। अब देखो मैंने सोचा तो बाहर निकलता है, लेकिन मुझे एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज आती है और ये बोट भी ना भाई गलत टाइम पर डरा देते हैं कसम से। अब इसको नॉक करते करते मेरे सामने एक पेटी आ जाती है, तो मैंने सोचा भाई लूट लेते हैं। और जैसे मैं अंदर जाता हूं, देखो पीछे से आती है एक बग्घी और इस बंदे को जरा देखना, इस बोट का किल चोरी कर लेता है ये। अब चलो कोई नहीं, किल चोरी कर लिया तो कर लिया, लेकिन मुझे पता था वो बंदा उसी तरफ है, तो मैंने सोचा एक नेड़ फेंक के देख लेते हैं। मेरे को तो लग रहा था कि हाँ ये बंदा पोजीशन चेंज कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था यार, ये बंदा पोजीशन चेंज नहीं करता और मेरा ग्रेनेड कतई सक्सेसफुल हो जाता है। मैं जाता इसको पूरा फिनिश करने, मैं जल्दी से गया और देखो इसे, तो देखो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन फिर मुझे वापस एक बग्घी की आवाज आती है और अब मजा आ जाएगा इस आप लोगों को, बस देखना। और भाई उस बग्गी वाले से जो मैं बचा हूँ ना, मुझे लग रहा था मैंने एक को तो उतार दिया, काफी कमाल कर दिया मैंने, लेकिन गेम यहाँ पे खत्म होने वाला है, पर बग्गी से मैं एंड टाइम पे बच गया। पता ना आपको कैसा लगा सीन, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये वाला देख के तो जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं यार, एक दो दिन और वीडियो देखो जरूर सब्सक्राइब कर लोगे। अब देखो मुझे यहाँ से निकलना था और अब देखना मेरे किल्स कुछ अलग ही तरीके से होंगे, मतलब देखना आपको एक सीरीज सी दिखेगी। अब देखो मेरे 13 किल हो चुके हैं, ओके जल्दी से आप समझ गए ना, मेरे 13 किल हो चुके हैं। मेरे को यहाँ से निकलना था, जल्दी से मैं बग्गी लेता हूँ और अपार्टमेंट के पास आता हूँ, इस ड्रॉप के पास। यहाँ से मुझे मिलती है आरपीजी वगैरह और जो कि फालतू की चीज़ें, तो मैं नहीं चाहता था कोई भी उठाया, तो मैम सारे उठा लेता हूं आरपीजी के और फिर वापस से गाड़ी लेके आता हूं थोड़ा स्टेडियम के पास ही। और यहां पे AKM के गनशॉट्स की आपको आवाज आ गई हुई है ना, बिल्कुल आ गई होगी। तो मैं देखता हूं सामने कुछ बंदे हैं, अब देखना मेरे किल कुछ ऐसे ही होंगे, मतलब मैं गन फाइट इतनी ज्यादा लूंगा नहीं। 12 किल हो गए थे मेरे, मतलब 13 किल हो गए थे, 13 के बाद मेरे सीधा 2 किल गाड़ी से हुए। ओके अब देखना आपको पता चलेगा। आगे मैं बग्गी लेके आया देखो स्टेडियम के पास, और जैसे मैं स्टेडियम में गया ना, मुझे आते एक डाशे के पास, तो मैंने सोचा भाई जल्दी से छत पे जाते हैं, वहां से मेरे को मस्त एंगल मिलेगा स्प्रे मारने के लिए। और मैं आया ऊपर, मुझे डाशे भी दिखी, पर स्प्रे भैया कतई कतई बेकार, स्प्रे किसी काम का था ही नहीं। लेकिन मैंने देख लिया इस बंदे ने फ्लेयर चला दिया, तो भाई जल्दी से पुश करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेयर चलाई तो भैया ड्रॉप का इंतजार करना पड़ेगा, यूं ही नहीं है तुम ये ड्रॉप तो तुमने मंगा लिया और कहीं और काम करने चले जाओ। तो मुझे पता था ये बंदा तो वहीं पर रुकेगा, तो जल्दी से अपन गाड़ी लेके जाएंगे और ये बंदा मुझे यही मिलता है। अब मैं जैसे इस तरफ आता हूँ, ये बंदा चला जाता है भाई पेड़ के कवर में, और भाई कितना कवर में जाओगे, अपने पास नेड भी है, तो जल्दी से मैंने एक नेड टॉस करा और बंदा मुझे कहीं निकलता दिखता नहीं, तो मैं समझ चुका था भाई गारंटेड मौत है इसकी। और भाई साहब बंदे की गाड़ी भी फूट गई। अब देखो मैंने सोचा था कि उन्हें सब क्रेट लूटा जाए, देखना आपको पता चलेगा कैसे मेरा मन बदला। मैंने इस तरफ गाड़ी मोड़ी, लेकिन मैंने वहाँ पे एक ड्रॉप देखा, तो मैंने सोचा एक और ड्रॉप लूट लेते हैं। वैसे अपने पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार वो लालच आता है ना अंदर से, उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो मैं जल्दी से ड्रॉप लूटता हूं और यहां पे वापस मेरे को आरपीजी मिल जाती है। मतलब आरपीजी और एसपी ना दिमाग खराब कर रखा है कसम से, हम उठा भी नहीं सकते और कोई उठा रहे तो दिक्कत हो जाती है। अब देखो मैं आया यहां पे स्टेडियम में, अब जरा फुटस्टेप के पास गौर से सुनो, है ना आपको फुटस्टेप्स की आवाज़ आ गए होंगे, मुझे तो आ चुके थे, मिनी मैप में कोई फुटस्टेप नहीं दिख रहे थे, लेकिन जिस तरह से फुटस्टेप्स आ रहे थे मैं समझ चुका था भाई साइड में स्विमिंग पूल ही है ना, वो शायद स्विमिंग पूल ही है, उसकी सबसे टॉप पे है बंदा। तो मैं ऊपर जाता हूँ, एक नेट टॉस करता हूँ, बंदे के आपको पैर शायद सामने दिख गए होंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे को इसके टीममेट की भी ना कभी स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी कि हाँ वो भी उसी तरफ है जहाँ पे वो उसको रिवाइव करना चाह रहा है, तो मैंने सोचा एक और नेट फेंकते हैं, क्या पता इसका टीममेट भी नॉक हो जाए। ये तो पूरा फिनिश हो गया, लेकिन इसका टीममेट भी साथ में मारा जाता है। और मैं इसी सीरीज के बारे में बात कर रहा था गाइज कि देखो 13 के बाद मेरे 2 किल हुए गाड़ी से, उसके बाद 3 किल हुए भाई साहब नेड़ से, कतई तीनों के तीनों किल। मेरे को पता है फालतू की सीरीज थी, लेकिन सीरीज ही सीरीज। अब टाइम आ चुका था गाइज वापस से जोन में जाने का, तो मैंने सोचा भाई बग्गी में बैठता है निकलता है, लेकिन मेरे को आता है फुटस्टेप्स की आवाज़। और मैंने देखो भाई ऊपर होता है बंदा, क्योंकि नीचे तो ऐसे फुटस्टेप्स की आवाज़ कभी आती नहीं, तो मैं समझ गया था ऊपर है बंदा। और मैं एकदम से उतर इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा इस पास आरपीजी, क्योंकि लेफ्ट में जो ड्रॉप है ना वहाँ से मैंने आरपीजी के एमो नहीं उठाए थे, और देख रहे हैं भाई यही खौफ है। अब मैंने ऊपर मोली फेंक दी, थोड़ा मतलब खौफ बन जाए अपना, और फिर मैं बग्गी लेकर निकल देता हूँ भाई जोन में, क्योंकि ये बंदा तो आएगा, क्योंकि जोन में तो आने भाई, और मेरे पास है गाड़ी, इसको आना पड़ेगा पैदल, तो ये मैं सोच के जल्दी से जोन में आ जाता हूँ। और हाँ जोन में तो बना चुके थे, पर अब मेरे को इंतजार करना था इस बंदे का, और ये बंदा आता है।
अब स्टार्टिंग में देखो मेरी काफी सही प्रेडिक्शन निकलती है, बंदे के थोड़ा पैर पे डैमेज जाता है, कुछ भी उसकी हेल्थ नहीं गई होगी। लेकिन फिर मैं जैसे M4 पे स्विच करा ना भाई, मैं भूल चुका था कि मैं कहाँ पे एम कर रहा था, तो वो बंदा भाई फायदा उठा लेता है। वो मतलब कति सांप बन चुका था, उसने मेरे को काफी डैमेज देता, तो मैं समझ चुका था भाई बंदा तो टाइट है, थोड़ा अलर्ट रहता है और मैं कुछ स्मोक कर लेता हूँ आगे, जिससे मैं पैदल या फिर गाड़ी लेकर कुछ भी जाऊँ तो मेरे को थोड़ा कवर मिल जाए। और अब मैंने उसको काफी डैमेज दे दिया था, तो मैं समझ चुका था भाई अब तो कॉन्फिडेंटली रश करेंगे। और देखो स्मोक यहाँ पे मेरे हल्के से काम आ जाता है, वरना वो यहाँ वहाँ से मेरे को डैमेज दे सकता था। और यार कर लेते हैं किचन डिनर एंड आई होप आज की वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल में लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके राइट साइड में बेल आइकन अगर उस पर जरूर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो मैं मतलब से कल, तब तक के लिए बाय।